कंप्लीट रूम जो है वो इसी तरह पड़ा हुआ है। एक गाड़ी है जो कि डिटेल हो रही है, तो अगर 5-6 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहा है और उसके बाद जो है एक बंदा जो है इसे जो है ना पैसे से 90 लाख रुपए के अंदर तैयार कर देता, तो अगले बंदे को कैसा दुख होगा। और गाड़ी जो है वो बड़ी यूनिक सी तैयार हो गई है यार, बिल्कुल ऐसी 200 तैयार हुई है। LX 570 है जो कि इस टाइम आप देख रहे हैं, तो बड़ी अजीब हालत के अंदर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो जाएगा, बेफिक्र हैं। आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे। कल मुकम्मल हो जाएगी ना यार, यार दूसरी गाड़ी वो भी मुकम्मल करके जा रहा है। यार इससे ज्यादा लगे हो तुझे मैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली वंस अगेन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैर से होंगे। यार इस वीक जो है अगेन जो है व्लॉग्स वगैरह अपलोड नहीं कर सके, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यार लोड ज़रा ज़्यादा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है काफ़ी सारा लोड जो है हम कम कर चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी भी आज के इस दिन के अंदर भी जो है ना हमने 2 गाड़ियाँ डिलीवर करनी है। दोनों की मैं कंडीशन अभी आपको दिखा देता हूँ। एक तो बिल्कुल सामने रेडी खड़ी हुई है, वो सामने गेट के ऊपर, और बाकी पीछे रह गई दो प्रोजेक्ट, बल्कि 3 प्रोजेक्ट्स रह गए हैं। वो तीनों प्रोजेक्ट में अभी इस छोटे से व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और आज फ्राइडे है, लेकिन यार बहुत ज़्यादा लाहौर के अंदर गर्मी है, और बिलीव करें ऑफिस से निकलने का दिल नहीं करता, और अगर गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी से निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी हिम्मत है यार हमारे लड़कों की कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं इस शदीद गर्मी के अंदर, जबकि उन्हें देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। और अच्छा, इन गाड़ी की बात करें तो ये LC 300 है, जो कि आज हमने कोशिश हमारी यही है कि इससे पहले हम डिलीवर करें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक गाड़ी तैयार होने जा रही है। अभी इसके लाइव व्यूज़ वगैरह नहीं लगे, इवन कि इसका कंप्लीट रूम जो है वो इसी तरह पड़ा हुआ है। इसके पीछे जो है हमने ये गाड़ी डिलीवर करनी है, आपसे एक से दो व्लॉग्स के अंदर ये देख रहे होंगे। और इसके बाद जो है एक गाड़ी है जो कि डिटेल हो रही है फ़िलहाल, और इसके बाद जो है इसको कोशिश यही करेंगे कि आज अलॉय व्हील्स वगैरह डाल के इसको क्लियर। अंदर से हो गई है सारी आपकी गाड़ी? अंदर से हो गई है। ये जो इसका है ना जितने भी ग्रिप्स वगैरह हैं, इसके ऊपर कोशिश किया करो ना मारा करो, बस नॉर्मल ये स्टार्ट करके मार लेंगे ना। हाँ नॉर्मल मार दो, ताकि ऊपर जितनी भी इसकी ब्लैक टॉप है ना वो सारा क्लीन हो जाए। क्या रही है तुम्हारी गाड़ी में? बस ये मेरी तरफ से गाड़ी समझ ले। तो यार लीव करें, एक मिनट के लिए ना बंदे को धोखा हो जाता है कि यार ये बंदा हो क्या गया इन पुरानी गाड़ियों को, ये देख रहे हैं यार। अब कोई कह सकते हैं यार कोई अगर 5-6 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहा है और उसके बाद जो है एक बंदा जो है इसे जो है ना पैसे से 90 लाख रुपए के अंदर तैयार कर देता, तो अगले बंदे को कैसा दुख होगा। तो ये दुख हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सीट्स वगैरह भी इसकी तैयार हैं, बिल्कुल इस टाइम डिलीवरी की नियर स्टेज के ऊपर है। टेस्ला वगैरह भी लग गया है, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग भी लग गया है, और कस्टमर्स वगैरह भी आते ही होंगे, और उसके बाद फिर उन्हें हैंड ओवर करते। देखिए अभी रिम्स वगैरह इसके अंदर नहीं लगे, रिम्स वगैरह अभी इसके अंदर इंस्टॉल होने वाले हैं। और गाड़ी जो है वो बड़ी यूनिक सी तैयार हो गई है यार, बिल्कुल ऐसी 200 तैयार हुई है। इसके बाद हमारा जो टफ टारगेट हमें मिलने वाला है ना, वो टारगेट होने वाला है LX 570, जो कि हमने आज के दिन के अंदर ही डिलीवर करना है। अभी थोड़ी देर तक कस्टमर आ जाएंगे। तो ये LX 570 है जो कि इस टाइम आप देख रहे हैं, तो बड़ी अजीब हालत के अंदर है, लेकिन कोशिश यही है कि हम इसे जितनी जल्दी हो सके इसे डिलीवर करें। आपको मैं इसका अंदर का रूम दिखाता हूँ, तो आपको भी हौसला हो जाएगा कि यार ईद से पहले कैसे भेजेंगे। आज मेरे ख्याल से थर्सडे फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन के अंदर उन गाड़ियों की सूरत हाल और इस गाड़ी की सूरत हाल कुछ यूँ है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या होगा, ठीक है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो जाएगा, बेफिक्र हैं। आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे हैं, और इस पूरे टाइम के अंदर मैं आप लोगों को सारा दिखाऊंगा कि किस तरह होगा, हम किस तरह कह रहे हैं, और कस्टमर की कितनी हिम्मत है कि वो कितने कम टाइम के अंदर हमारी गाड़ी करें। अभी तो काफ़ी काम रहते हैं, क्वार्टर फिनिश पे शीशा लगना है, पिछला जो है इसका लाइट्स वगैरह एडजस्ट होनी है, इसका पूरा शीशा जो है क्वार्टर फेंडर का वो भी इंस्टॉल होना है। लेकिन इसके अंदर हमने ये देखने, मोस्टली आप गाड़ियाँ देखते होंगे कि यहाँ पे फ़र्क आ जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना हमने कोई फ़र्क इसके अंदर नहीं डाला, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हालत के अंदर ही है। ये डैशबोर्ड वगैरह इसके जो गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल होने पड़े हुए हैं, जो कि अभी इंस्टॉल होंगे। इसके बाद ईद के बाद की ये 3 गाड़ियाँ हैं, इन 3 गाड़ियों के अलावा हमने जो गाड़ी ईद से पहले देनी है उसमें एक ये भी गाड़ी है, जो कि आज अगर तो जुम्मा है तो मेरे ख्याल से पीछे हमारे पास दिन रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ, कितने दिन रह गए,
ईद पे कितने दिन रह गए? ईद पे पाँच दिन रह गए और ये दे के जानी है इंशाल्लाह यार। चेक करो क्या अभी पीछे डेंटिंग हो रही है, बाबा जी डेंटिंग कर रहे हैं और डेंटिंग के बाद भी पाँच दिन रह गए ईद नू ते दे के जानी है। कल मुकम्मल हो जाएगी ना यार, दूसरी गाड़ी वो भी मैं कमरे करके जा रहा हूं। गर्मी तो नहीं लगती? चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे यार। ये बाबा जी हमारे बड़े शहजादे बंदे हैं, इनकी एज पे ना जाए, इनका हाथ बड़ा भारी है। ये लें जी, अब बताएं मुझे पहले आप क्या था और अब क्या है। तो इसके लिए हम बाहर से तो बॉडी तैयार हो जाती है लेकिन इंजन रूम से हमेशा गाड़ी बाहर खा जाती है, लेकिन डिटेल करके गाड़ी काफ़ी हद तक क्लीन हो जाती है। तो टीम के शहजादे लग गए हैं इसके, जितना भी क्योंकि गाड़ी जो है जब आई थी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसकी बुरी हालत थी, इवन इसका मीटर वगैरह भी नहीं चल रहा था। अब इसके जितने भी इसके किट्स वगैरह सारों के अंदर पानी गया हुआ है, तो इसके कार्बन वगैरह साफ कर रहे हैं, कंप्लीट वायरिंग के ऊपर काम शुरू हो गया है। दिलावर ये हर हाल में हमने कल गाड़ी देनी है इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है कल दे दें। अब इस टाइम गाड़ी की ये कंडीशन और इंशाल्लाह ताला एक ब्लॉग जो है रात को ही बनाएंगे, कि रात के ऊपर रात को जो है इस गाड़ी का काम कहाँ तक पहुँचे। तो स्टिल कनेक्ट रहिए और अगर तो इस तरह की मजीद मॉडिफिकेशन, ये शीशा भी डल रहा है यार इस गाड़ी का, कंप्लीट शीशा। इसकी स्क्रीन जो है वो डैमेज थी एक साइड से और काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस थे, तो इसका स्क्रीन भी हमने चेंज करना है। तो अगर तो स्टिल इस तरह की मजीद मॉडिफिकेशन और हमसे सर्विसेज, हमारी सर्विसेज जो है वो देखना चाहते हैं, तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे ब्लॉग्स देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।